फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नए ब्लॉग में। और अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और गुड्डू भी स्कूल चला गया है। और गुड्डू आज काफ़ी दिन में स्कूल गया है क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रहा है, ऐसे क्या चल रहा है, गर्मी हो रही है तो बच्चे जो है ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। और 2-3 दिन से जो है मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और काफ़ी दिन से जो है हम किसी फंक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बहुत स्पेशल फंक्शन आ रहा है हमारे घर में, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और शहरी जो है स्कूल से आ चुकी है और शहरी ने जो है अपनी शालू दीदी से अभी मेहंदी लगाई है, तो अभी मेरे को दिखाने आई थी वो मेहंदी, तो अभी जो है अपनी बड़ी मम्मी को दिखाने के लिए गई है वो मेहंदी। तो बस अभी जो है कपड़े उतार कर लेकर आई हूँ छत पे से और कपड़े सुखाते हैं। थोड़ी देर में ही जो है कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो काफ़ी तेज़ गर्म भी हो रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़े से सही हो जाते हैं। मैंने पंखा चलाया है यहाँ पे, थोड़े से गर्म हो रहे हैं तो थोड़े से सही हो जाएंगे, तो जब मैं इनकी तह बना के अलमारी में लगा दूँगी। और बस अभी दोपहर का वक्त हो रहा है तो आज मैं सो ही नहीं हूँ, वैसे मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी मुझे शाम को जो है शहरी को सैंडल पहना के लेके आनी है, तो जो शहरी के पास सैंडल तो हैंगी लेकिन बच्चों का है कि नई ड्रेस है तो उसके साथ थोड़ी वो पुरानी सैंडल अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने सोचा इसके साथ इसको नई सैंडल दिलवा देती हूँ। तो अभी बस शाम को जाऊँगी मार्केट और उसको सैंडल भी दिलवा के लेकर आऊँगी। और जो मार्केट है वो हमारी सब्ज़ी मंडी के पास ही है, तो मैं इसको यहीं से सैंडल दिलवा दूँगी। और ये भी सो गए हैं, ये सोए गए हैं यहाँ पर, और मम्मी भी नहा ली है। और शहरी आई है मम्मी यहाँ पर मेहंदी लगा के आई है दिखाने के लिए, है ना? एक हाथ लगवाए भी अभी, एक ही हाथ लगवाए। अच्छा अच्छा, तो एक हाथ लगते ही दिखाने आ गई कि कैसी लगी है। अच्छा सही है, अभी देख कर आती हूँ कैसी लगवा रही है, मैं भी शाम को लगवाऊंगी। और शहरी जो है स्कूल से आ चुकी है और आती मेहंदी लगवा रही है। शहरी दिखा अपनी मेहंदी, अच्छी लगाई मेहंदी, तो अच्छी लगाई है शालू ने इसकी। और ये वाले हाथ में, इस वाले हाथ में पहले पीछे लग रही है। और शालू के कौन लगाएगा भाई? शालू ने तो तेरे लगा दी, शालू के कौन लगाएगा? दीदी नहीं लगाएगी, तेरी दीदी के मैं लगा दूंगी। लगवाएगी शालू मेरे से? मैं नहीं लगाती। शहरी को अब भूख लगी है मेहंदी लगवा के। और आज हमने बनाए हैं मसाले वाले चावल बनाए हैं और उसके साथ पी रही है शहरी ऑरेंज वाला ग्लूकोन डी, और शहरी को पसंद है ना शहरी? और मेहंदी दिखाओ अपनी, और इस पे जो है शहरी ने अभी सरसों का तेल भी लगा लिया है, सूख गई है तो। और इसमें आगे नहीं लगाई अभी, क्यों? पहले अगर आगे लगवा लेती तो बस पीछे से भी रखा जाएगा। अच्छा अभी पहले पीछे लगाइए फिर आगे लगाइए दीदी, ठीक है। खाना कैसा बन रहा है? अच्छा बना है। मम्मी ने मुझे दिया है ये वाला पर्स। मम्मी कब का पर्स है ये? है तो नया ही। हाँ। और मैंने इस्तेमाल नहीं करा था, आज तेरे को दे दिया। हाँ। पार्टी में लेके चली हूँ कल। हाँ। और मैं सैंडल भी ब्लैक ही लेके आ रही हूँ, और जो ये वाला पर्स दिया है बड़ी मम्मी ने मुझे कैरी करने के लिए, मैं ब्लैक ही लेके आऊँगी। आपने मेरे कपड़े शायद क्या पता नहीं देखे हैं, तो मैं इसको ऐसे लूँगी ऐसे, और ऐसे इसने बहुत पहले की फोटो देख ली होगी तुम्हारी। बड़ी मम्मी के लिए मैं वो देख के आई हूं, लेके आऊंगी कब बाली। कोई बात नहीं, बोल ला दूंगी। आओ नहीं, और कोई बात नहीं, सोने की नहीं है, सोने की नहीं है, ₹10 की। हां तो ये 10 वाली है, ये सोने की ना है। कोई बात नहीं, मैं 20 ला दूंगी, एक टिप की कोई बात नहीं। ये दिखा तो सही क्या दिया तेरे को मम्मी ने, शहरी को पर्स दे, शहरी के जैसा छोटा सा, शहरी को छोटा सा पर्स दे दिया। अच्छा लगेगा लटकाने में, जैसे कि ऐसे और ऐसे। कल जाना है वो तो ₹10 हो गया, तो के लिए 50 शहरी को सैंडल चाहिए है, कैसी चाहिए? वाली
ढीला तो नहीं है? पहन के तो देख पहले पूरी पहन बेटे नीचे रख के डाल के है अरे भैया क्या है इससे एक वसन थोड़ा नीचे रख के डाल क्या है ज्यादा साइज तो ठीक है बेटे 5 नंबर का साइज है नहीं होगा इतना बड़ा मिल जाएगा उनको कौन सा ऐसी अच्छी लगी अच्छी नहीं लग रही और दिखा दो उसको और यहाँ पर जो है चल रही है बर्गर पार्टी और अभी आया स्कूल से और इसके पापा जो हैं इनको बर्गर दिलवा के लेके आए हैं और शैली भी अब आ गई है अपनी सैंडल लेकर कैसी है सैंडल सेम आ गई तो मैं मना तो कर रही थी वो वाली मतलब तेरे को वही अच्छी लग रही थी फिर मैंने सोचा दिलवा देती हूँ लेकिन तेरे पापा को पसंद नहीं आई तेरी सैंडल अच्छी नहीं लग रही वैसी है जैसे ग्रे वाली थी हाँ वैसी तो है इसकी अभी वहाँ पे कहने लगी मेरे कपड़ों से मैच हो रही है पिंक कलर की दिलवा दो चार पिंक कलर की दूसरी ले ले हील ले ले जरूरी है वो चेपी वाली ले वो वाली तू भी चल तू रिक्वेस्ट डबल रिक्वेस्ट चल दे पिटबुल दिलाऊंगी लाइब्रेरी दिलाऊंगी आजा देखो और बर्गर दिलाऊंगी आजा चल दे अभी पापा चेंज करवा के लेके आएंगे सैंडल ठीक है और हमारे साथ तो ऐसा ही होता है ज्यादातर चीज लेकर आते फिर हमको चेंज करके आनी पड़ती है अब जाओ बर्गर खाओ और पापा के साथ जाओ और चेंज करके आओ कहाँ अभी गुड्डू आए नहीं प्रिंसिपल मैम और उनकी पति तेरी प्रिंसिपल मैम मिल गई हाँ, पर? तो ओ सैंडल वाली दुकान पे हाँ। तो क्या कह रही सेम नहीं वो सेम नहीं है भाई देख नहीं, नहीं, नहीं ये वाली अच्छी लाई है ये अलग है देख ले ये व्हाट इज दिस मैम मम्मा आयुष की बजा रहा प्लीज कॉल कर देना बुलाऊंगा मेरे को भी यही वाली पसंद आ रही थी पहले लेकिन इसको वो वाली चाहिए थी देखो भाग भी सकती है तू वहाँ पर दौड़ लगा सकती है वहाँ पर दौड़ क्यों लगाओ तो अब बनाऊंगी खाना और आज का मौसम काफी अच्छा हो रहा है कल से ही मौसम अच्छा है तो कल भी बारिश हो गई थी और अभी जो है हवा चल रही है और गुड्डू और आयुष दोनों छत पे हैं यहाँ पर गुड्डू कहाँ पर हो इधर आओ और ये दोनों जो हैं ऊपर खेल रहे हैं छत पे चढ़ गए हैं कहाँ हैं अच्छा कौन कौन है अच्छा ठीक है मैं यहीं पर हूँ खाना बना रही हूँ किचन में और अभी जो है मैं खाने में बनाऊंगी अंडे की भुजिया थोड़ी सी सब्जी जो है दोपहर की भी रखी हुई है तो हम ऐसे कर लेते हैं अगर दोपहर की सब्जी होती है तो उसको रात को खा लेते हैं और अगर जब रात को बनाते हैं तो हम उसको सुबह में खा लेते हैं और अभी जो मेरा गला है पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है अभी भी इसमें थोड़ा दर्द हो रहा है जैसे जैसे दवाई का टाइम होता है शाम को उस टाइम फिर से गला दर्द करने लग जाता है तो जैसे मैं सटक रही हूँ तो सटकने में मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जैसे पानी वगैरह भी मेरे से सटका नहीं जा रहा है जैसे मैं गर्म गर्म पी रही हूँ जैसे चाय पी रही हूँ या गर्म पानी पी रही हूँ जब तो मेरे गले में बहुत आराम लग रहा है और देखिए कितनी हवा चल रही है कि यहाँ पे मेरी चुन्नी भी उड़ रही है और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और अभी जो है खाना खा के जो है यहीं पर बैठ जाएंगे और देखिए ठंडी हवा चल रही है आज का मौसम अच्छा हो गया है तो बस अब जल्दी से जो है मैं बनाऊंगी खाना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती है तो अंदर से थोड़ा हिम्मत नहीं होती है कभी कभी खाना बनाने की तो आज जो है मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है बस अभी जल्दी से खाना बना के जो है मैं अब दवाई खाऊंगी रात की तो चलिए यहाँ पर जो है मैं चटनी जो है इसको छोक लेती हूँ और ये जो चटनी होती है इसमें मैंने डाल रखा है टमाटर है लहसुन है और इसमें लाल मिर्च और नमक है और बस इसको छोक देंगे और काफ़ी टेस्टी चटनी बनती है ये वाली जो है और इसके अंदर ही मैं अंडे डाल दूँगी तो इसकी भुजिया बन जाएगी अंडे की तो मसालेदार जो भुजिया होती है वो वाली बनती है तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी चटनी भी बन चुकी है हमारी चटनी बन चुकी है
और यहाँ मैंने अपने पीने के लिए जो है पानी भी गर्म कर लिया है, क्योंकि मैं गर्म पानी पी रही हूँ तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा आराम लग रहा है, और आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरा गला जो है काफ़ी ख़राब हो रखा है। और आटा मैंने छान लिया है और बस अब आटा गूंदूंगी मैं यहाँ पर। और बच्चे जो है, अभी गुड्डू छत पे ही था तो गुड्डू भी अब नीचे चला गया है और ये भी आ गए हैं अब। और यहाँ जो है हवा अच्छी चल रही है ना, हाँ कल बारिश हो गई थी और आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश हो सकती है, सही है, हो जाएगी तो थोड़ी ठंडक हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए जो है हमने यहाँ पर अपना चूल्हा भी ढक रखा है। और हवा इतनी तेज़ है कि जो हमने इस पर दरी ढक रखी थी मशीन पे वो भी गिर गई है, अभी से ढकूंगी दोबारा से। खाना जो है बन चुका है और मुझे मशीन पे थोड़ा बहुत काम करना था तो मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पर आके मुझे फिटिंग करनी है कपड़ों की, तो दिन में तो मैं आई नहीं थी इसलिए मैंने सोचा जब खाना बनाने जाऊँगी जब ही कर लूँगी कपड़ों की फ़िटिंग। और मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है मेरा गला, और इसमें जो है मेरे से धागा नहीं डल रहा था, बार बार धागा जो है टूट रहा था, तो मैंने फिर भी कोशिश करके इसमें धागा डाल दिया। और बस अब कुर्ती की फिटिंग करने के बाद जो है मैं नीचे खाना लेकर जाऊंगी और फिर बच्चों को भी खाना देना है। अभी जो है रात के 10 बज रहे हैं और हम जो है अभी थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं, और आपको दिखाती हूँ कि शहरी ने कैसी मेहंदी लगाई है। शहरी दिखाओ, और ये शहरी की मेहंदी है, और किसने लगाई है शहरी आपके? शालू दीदी ने लगाई है। इसकी शालू दीदी ने लगाई है। और शहरी के लिए जो है नई सैंडल भी आ गई है और शहरी की नई ड्रेस भी आ गई है। तो आपको हम कल बताएंगे कि हमारे घर में क्या फंक्शन है ना, हाँ। तो ये सरप्राइज है और आपको कल बताएंगे, तो जब हम जाएंगे तो आपको भी लेके चलेंगे, हाँ। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो जो है यहीं पर कर देते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिल जाएगा तब तक ले बाय बाय। इंतजार इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का, है ना। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।